हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम मार्क मॉर्फी के चिनोस का रिव्यू करेंगे। मैंने मार्क मॉर्फी के चिनोस को 2 महीने पहले खरीदा था, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्क मॉर्फी के चिनोस को यूज़ करने के बाद मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वैसे मैंने मार्क मॉर्फी के इस चारकोल ग्रे कलर के इस चिनोस का अनबॉक्सिंग का भी वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं कि एक्चुअल में इसकी ओवरऑल रिव्यू मैं आज आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हर एक मन में पहला क्वेश्चन ये होता है कि कलर का, कि चिनोस के यूज़ के बाद आप इसे धोते हैं, वॉश करते हैं, तो क्या है ये अपना कलर छोड़ता है, कलर जाता है? तो ये चारकोल ग्रे कलर का ये चिनोस है, लेकिन धोने के बाद ये कलर नहीं छोड़ता है। लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है जो स्टार्टिंग से मुझे फील हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ये कोई नया पेंट होता है, जब नया होता है तो वो एक्चुअल में दिख जाता है कि ये भाई नया पेंट है, नया चिनोस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से ऐसी इसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप पहनो तो ऐसा लगे कि ये कोई पुराना है, बहुत यूज़ करने के बाद आप पहन रहे हो, वैसी फीलिंग इस चिनोस में आ रही है। तो कलर के मामले में एक प्लस पॉइंट ये है कि वो फेड नहीं होता है, कलर जाता नहीं है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये पेंट आप यूज़ करेंगे पहले स्टार्टिंग से ही तो भी आपको पुराना टाइप लगेगा। कोई भी नया पेंट होता है, जब थोड़ा बहुत आप यूज़ करते हैं बाद में वो पुराना टाइप लगता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग से पहले वॉश से ही ऐसी इसकी हालत है, तो ये एक ख़राब पॉइंट है वॉशिंग के बाद। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, उसके फैब्रिक की। तो फैब्रिक तो अच्छा है कॉटन का, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी जो कोई धागा निकल जाए, फट जाए, ऐसा कोई मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं रहा है। इसकी जिप भी अच्छी है, लेकिन फैब्रिक में एक खराब पॉइंट ही ये लग रहा है जिसके कारण ये पुराना टाइप लग रहा है कि आप पेंट पहनते हो तो छोटे छोटे धागे निकल रहे हो, वैसी फीलिंग आती है, मतलब वैसा दिख जाता है कि छोटे छोटे धागे निकल रहे हो। तो इसका ओवरऑल इसके फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। उसके बात करें इसकी जिप की, तो जिप भी इसकी बहुत ही अच्छी है। बात करें फिट की, तो स्लिम फिट का ये चिनोस है, फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वेस्ट साइज़ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा। वेस्ट साइज़ में एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आप वेस्ट साइज़ में आप पैंट पहनते हो तो इसमें 2 बटन दिए हुए हैं और एक एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर एक बटन दिया हुआ है। अगर आपकी वेस्ट साइज़ बढ़ जाती है तो वो एक्स्ट्रा बटन का आप यूज़ कर पहन सकते हो और इसी पेन को आप फिर से कैरी आउट कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये पेंट 32 वेस्ट का मैंने मंगवाया था, लेकिन इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं। मेरे दूसरे भी 32 वेस्ट के चिनोज है, वो बिल्कुल मुझे फिट आ जाते हैं, लेकिन ये पेंट शुरू से मुझे फिट नहीं आ रहा था, थोड़ा लूज पेंट लग रहा था। तो ये फिटिंग के मामले में प्रॉपर फिटिंग नहीं है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और एक नेगेटिव पॉइंट है इसकी प्राइस का। मैंने ये पेंट खरीदा जिस प्राइस में, 1000 से भी ज़्यादा पैसों में मैंने ये पेंट खरीदा था, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि 1000 से भी कम प्राइस के मैं चिनोस परचेस करूं तो इससे भी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये पेंट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मैं 5 स्टार में से इसको 3 स्टार दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।